हेलो दोस्तों, फास्ट फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्रिकेट को आज के समय में हम लोग एक त्योहार की तरह मनाते हैं। IPL एक ऐसा लीग है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग और कभी कभी कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में IPL से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब इंडिया ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, तभी से भारत का हर क्रिकेट प्रेमी T20 का दीवाना हो चला था। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की T20 के प्रति उत्साह देखते हुए IPL की शुरुआत की गई। IPL को स्टार्ट करने का पूरा श्रेय जाता है ललित मोदी को। IPL स्टार्ट होने से पहले सभी टीम्स के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, जैसे एक टीम में 18 से 25 खिलाड़ी हो सकते हैं, जिनकी कीमत 80 करोड़ रुपए होनी चाहिए, जिसमें से 8 विदेशी खिलाड़ी होंगे और प्लेइंग 11 में आप सिर्फ 4 ही विदेशी खिलाड़ी को खिला सकते हैं। ऐसा रूल इसलिए बनाया गया था ताकि भारत के ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स को खेलने का मौका मिले और वो अपने हुनर को निखार सके। IPL में कुल 8 टीम का चयन किया गया था। IPL का पहला मैच 18 अप्रैल 2008 को खेला गया था रॉयल चैलेंजर्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पहला IPL फाइनल खेला गया था। शेन वॉन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स IPL की पहली विजेता टीम बनी थी। अगर बात की जाए IPL हिस्ट्री की सबसे बेस्ट टीम की, तो दो ऐसी टीम्स हैं जिनका नाम सबसे पहले आता है, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। मुंबई इंडियंस ने अभी तक 5 बार IPL का खिताब जीता है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 बार IPL का खिताब अपने नाम किया है। अगर बात की जाए एक टीम द्वारा सबसे ज्यादा और सबसे कम रन बनाने की, तो आपको सुन के हैरानी होगी, ये रिकॉर्ड एक ही टीम के नाम है। रॉयल चैलेंजर्स इकलौती ऐसी टीम है जिसने 23 अप्रैल 2013 को पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 263 रन बनाए थे और साल 2017 में KKR के खिलाफ बेंगलोर सिर्फ 49 रन पर ही सिमट गई थी। अगर बात की जाए एक मैच में दोनों टीम द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने की, तो साल 2010 में चेन्नई और राजस्थान ने 40 ओवर में कुल 469 रन बनाए थे। और अगर एक मैच में सबसे कम रन बनाने की बात की जाए, तो 2017 में ही पंजाब और दिल्ली के बीच खेले गए मुकाबले में सिर्फ 135 रन बने थे। क्या आप जानते हैं IPL की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन से प्लेयर्स हैं? सुरेश रैना इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। मिस्टर IPL ने 205 मैच खेलते हुए 32.51 की एवरेज से कुल 5,528 रन बनाए हैं। रो सुपरहिट शर्मा IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 4थे प्लेयर हैं। इन्होंने 227 मैचेस में 30.30 की एवरेज से 5,879 रन बनाए हैं। डेविड वार्नर आते हैं 3रे नंबर पर। वार्नर ने सिर्फ 162 मैचेस ही खेले हैं और इन्होंने 42 की एवरेज से 5,881 रन बनाए हैं। शिखर धवन ने इस लिस्ट में जगह बनाया है दूसरे नंबर पर। धवन ने 206 मैचेस में 35.07 की एवरेज से कुल 6,244 रन बनाए हैं। अब तक IPL के 15 सीजन हो चुके हैं और अगर बात की जाए IPL की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, तो ये रिकॉर्ड दर्ज है किंग कोहली के नाम। विराट कोहली ने 223 मैचेस में 36.19 की एवरेज से कुल 6,624 रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा विकेट्स लेने की बात की जाए तो पीयूष चावला आते हैं 5वें नंबर पर। 165 मैचेस में इन्होंने कुल 157 विकेट लिए हैं। 154 मैच में 166 विकेट लेकर अमित मिश्रा 4थे नंबर पर बरकरार हैं। चहल ने जगह बनाया है 3रे नंबर पर। 131 मैचेस में इन्होंने कुल 166 विकेट अपने नाम किए हैं। 122 मैचेस में 170 विकेट लेकर मलिंगा आते हैं दूसरे स्थान पर। अगर IPL की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट लेने की बात करें तो DJ ब्रावो पहले स्थान पर आते हैं। इन्होंने 161 मैचेस में कुल 183 विकेट अपने नाम किए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। IPL के पहले सीजन से ही खूब सारा एंटरटेनमेंट और धमाल शुरू हो गया था, लेकिन इसके साथ ही कॉन्ट्रोवर्सीज भी लगातार आती रहीं। IPL के पहले सीजन का 10वां मैच, जो कि मुंबई और पंजाब के बीच खेला जा रहा था, इस मैच में मुंबई इंडियंस को 82 रन्स की करारी हार का सामना करना पड़ा था। मैच खत्म होने के बाद श्रीसंत ने हरभजन सिंह से कुछ ऐसी बात बोल दी कि जो उन्हें पसंद नहीं आई थी। इसके बाद हरभजन सिंह ने ग्राउंड पर ही श्रीसंत को एक थप्पड़ मार दिया था। हालांकि मैच खत्म होने के बाद दोनों ने एक दूसरे माफी भी मांगी। बीच मैदान पर ही भिड़ गए थे विराट कोहली और गौतम गंभीर। ये बात साल 2013 की है, जब बेंगलोर और कोलकाता का मुकाबला चल रहा था। विराट कोहली के आउट होने पर गंभीर ने जश्न मनाते हुए विराट को ऐसी बात बोल दी जो कि विराट को बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर क्या था, बीच मैदान पर कोहली और गंभीर लड़ पड़े।
आईपीएल 12 के 25वें मैच में महेंद्र सिंह धोनी और अंपायर्स के बीच बहस हो गई थी। इस मैच के आखिरी ओवर में ये विवाद हुआ था जब राजस्थान की तरफ से बेन स्टोक्स गेंदबाजी कर रहे थे। स्टोक्स ने बॉल डाली और अंपायर ने नो बॉल के लिए हाथ उठाया, पर जब लेग अंपायर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया। ये देखकर डग आउट में बैठे कैप्टन कूल कहे जाने वाले एमएस धोनी आग बबूला हो गए। इसके बाद धोनी मैदान में घुसकर सवाल करने लगे। इस मैच में एमएस धोनी के ऊपर मैच फीस के 50% का जुर्माना लगा था। आईपीएल में बहुत से गगनचुंबी छक्के लगाए गए हैं। सबसे ज्यादा छक्के लगाने में पांचवें नंबर पर हैं पोलार्ड, इन्होंने 223 छक्के लगाए हैं। एमएस धोनी ने 229 तो रोहित शर्मा ने 240 छक्के लगाए हैं। एबी डिविलियर्स ने 251 सिक्सेस लगाए हैं। आईपीएल के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैट्समैन हैं क्रिस गेल, इन्होंने 142 मैचेस खेलते हुए 357 छक्के लगाए थे। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने 14 मई 2016 को गुजरात के खिलाफ 229 रन की साझेदारी निभाई थी। ये आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। अगर आईपीएल हिस्ट्री के 15 सीजन्स में सबसे ज्यादा मैच खेलने की बात की जाए तो एमएस धोनी ने सबसे ज्यादा 234 मैच खेले हैं, और अगर बात की जाए कप्तान रहते हुए सबसे ज्यादा मैचेस खेलने की तो भी इस लिस्ट में एमएस धोनी सबसे आगे हैं। एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 210 मैचेस में कप्तानी की। 210 मैचेस में से इन्होंने 123 मैचेस में जीत हासिल की है। दोस्तों, अगर आपको अपने किसी चाहने वाले को गिफ्ट देना हो तो चोको डिप की चॉकलेट्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चोको डिप की चॉकलेट्स आम चॉकलेट्स की तरह नहीं है। चोको डिप इंडिया की सबसे बेस्ट हैंडक्राफ्टेड चॉकलेट्स हैं, और ये चॉकलेट्स आपको कई अलग अलग वैरायटीज के रूप में मिल जाएंगी। अगर आप chocodip.in वेबसाइट पर जाकर फास्ट फैक्ट्स डिस्काउंट कोड यूज करते हैं तो आपको अमेजिंग डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। chocodip.in पूरे इंडिया में चॉकलेट्स डिलीवर करती है, वो भी फ्री शिपिंग के साथ। IPL सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीग्स में से एक है। अगर एवरेज व्यूअरशिप की बात की जाए तो स्पोर्ट्स की लीग में IPL पूरे विश्व में पांचवें स्थान पर आता है। साल 2010 में YouTube पर लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला पहला स्पोर्ट IPL ही था। साल 2022 तक IPL की ब्रांड वैल्यू 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। वर्तमान में 8 देश ऐसे हैं जिनकी अपनी खुद की कोई ना कोई लीग है। इन सभी के बीच अगर क्रिकेट की क्वालिटी और पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो बिग बैश लीग, इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग सबसे पॉपुलर लीग्स हैं। आईपीएल को स्टार्ट हुए 16 साल हो गए हैं, वहीं बीबीएल 9 साल पहले स्टार्ट हुआ था और अभी कुछ ही साल पहले स्टार्ट हुआ है PSL। दुनिया भर में खेले जाने वाले क्रिकेट लीग की बात की जाए तो आईपीएल बिना किसी शक के सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लीग है। पिछले साल इंडियन प्रीमियर लीग 405 मिलियन व्यूअरशिप के साथ क्रिकेट का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लीग बन गया, और अगर दर्शकों की संख्या की बात की जाए तो बीबीएल और पीएसएल आईपीएल के आसपास भी नहीं होंगे। जहां आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 90,000 करोड़ रुपए की है तो वहीं बीबीएल की ब्रांड वैल्यू 2656 करोड़ रुपए है और पीएसएल की टोटल ब्रांड वैल्यू 2490 करोड़ रुपए है। दोस्तों, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है और आपकी सबसे पसंदीदा आईपीएल टीम कौन सी है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसी ही एक और मजेदार वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, उसे भी अभी क्लिक करके देख लीजिए। जय हिंद दोस्तों।